الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين تقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة فمما رزقناهم رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين बलम अलफिलाीम ये हरूफ मकसात में से है इसके माना अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है या सरकार की बारगाह के फैज़ याफ़्ता रब्बानी जानते हैं ज़ालिकल किताब ये किताब है एक तरजमा ये किताब के लार बफी है जिसमें किसी तरह का कोई शक व शुबा नहीं लिल ललमती ये मतकीियों को हदायत देने वाली है या ये किताब ऐसी किताब के इसमें कोई शक व शबा नहीं है हाल के ये मतकीियों को हदायत देने वाली है नबीमन सलामाराई सकून कौन से मतकी वो मतकी जो गैब पर ईमान रखते हैं या ईमान रखते हैं दरअ हाल के वो खुद ग़ायब हैं सोसाइटी से ओझल में ईमान रखते हैं वो यकीन असलात और नमाज को सही मानों में अदा करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से कुछ खर्च करते हैं वल्दी मिनोन उमां ऊँ जिलिकमा ऊँजिल कबलिक और वो लोग के जो उस पर ईमान रखते हैं जो आपकी तरफ नाजिल किया गया है और उस पर भी ईमान रखते हैं जो आपसे पहले नाजिल किया गया है विल आखिरत हुयोकनून और क़्यामत के दिन पर पूरा यकीन रखते हैं उलाक तो अलादम बिरबिहीम वही लोग हदायत पर है बज़ाहिर उसका तर्जमा वो लोग हदायत पर हैं लेकिन फ़न बलागत की किताबें कहती हैं कि जिस वक्त कोई मुस्ंद इसमें इशारा हो तो उसके मुस्ंद को उस मुद के साथ खसूसियत होती है जिसका माना यह है सिर्फ यही लोग हदायत पर हैं अगर आप मक़ीन का तर्जमा देखें तो यही तर्जमा करेंगे यही लोग हदायत पर हैं वही लोग हदायत पर हैं वालायक उम्रम और यही लोग कामयाब होने वाले हैं आयात ये बात कतलब सरजमा आप हजरत के गोश गुजार हुआ इस सूरत का नाम है सूर बकरा। बकरा के माने गाय और सूरतों के नाम रखे जाने की फ़िलासफ़ी में आली इल्म ने यह बात तहक़ीक की है कि कभी ऐसा होता है कि बिगनिंग वर्ड पर सूरत का नाम होता है जैसे या य्यूहल मजमिल में सूरत मुजम्मल शरीफ या य्यूहल मुदसर में मुदसर शरीफ सुलहद्दा में सलाबा शरीफ और कभी ऐसा होता है कि किसी ख़ास वाक़े या चीज़ के नाम पर उस सूरत का नाम रख दिया जाता है इस पर बाकी तमाम नामों की फिलासफी पर गुफगू करनी खासा मुश्किल काम है वक्त थोड़ा होता है लेकिन इस बारे में अर्ज़ करूँ कि जिस जगह किसी वाक़े पर किसी चीज़ के नाम पर सूरत का नाम रख दिया जाता है उस वक्त उस वाकए को या उस नाम को कोई ख़ास अहमियत ज़रूर हासिल होती है ये कह देना हकीकता बेखबरी से खाली नहीं है जो कहते वैसे ही नाम रख दिए जाते हैं कुछ लोगों ने दौर हादर के दानश्वरों ने अपनी उर्दू की तफासिर में यह बात कही है कि सूरत के नाम रखे जाने में कोई चंदा माना नहीं होते बल्कि वैसे ही नाम रख दिया जाता है नहीं अगर सिर्फ़ इस पर गुफ्तू की जाए कि सूरह बकरा में बकरा के नाम पर सूरत का नाम क्यों रखा गया हालांकि अम्बिया आलम के नाम आए हैं रसूलों के नाम आए हैं तो यहाँ गाय के नाम पर नाम क्यों रखा गया का अम्बिया मरसलिन आसलम का जो तकदस है वो कायनत में खुदा के बाद सबसे बढ़कर है इसलिए उनके नामों पर गुफ्तुओं की चंदा ज़रूरत नहीं देखना ये होगा बावजूद उसके बड़े बड़े बरकत वाले नाम जिक्र में आए हैं तो गाय के नाम पर नाम रखे जाने की क्या वजह है का बाद वक्त ऐसा होता है कि किसी वाके से अम्बिया मुरसलीसलातलम के मंशा की तइद होती है तो बाहर अगर जो किसी जानवर ही का यह जिक्र है लेकिन देखना यह कि इससे मिशन किसका पूरा होता है इस गाये में एक राज ऐसा मज़ुमर है जो अम्बियात वसलाम का मिशन है वह क्या है एक बंदे को कत्ल कर दिया गया और ख़ुद एक लावलद आदमी के वारिसों ने इस गर्ज से कत्ल किया कि इसकी जायदाद सारी हमें मिलेगी कत्ल करने के बाद उसकी लाश उठा करके दूसरे लोगों के दरवाज़े पर फेंक दी अब इसमें एक मसला तो ये था कि बंदा उन दिनों इस तश्वीश में था कि क्या बंदा मरने के बाद जिएगा हालांकि ये थे बनी इसराइल मुसी सलाम की इन्वॉलमेंट जो है वो बताती है कि फ़्रौन का ज़माना कहीं आगे है या पीछे है पर बहुत करीब है जिन लोगों ने कई सदियों तक फिराउन को और फिराउन के ख़ानदान को खुदा मान लिया हुआ था उनके लिए कयामत का अकीदा किसी तरह मुमकिन नहीं हो सकता कयामत का अकीदा रखने वाला इतनी ज़रूरत बेजा कर सकता ही नहीं तो ग़ुलामी के ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों के नज़रियात में ज़िंदगी नहीं रहती इस वजह से वो लोग एक हद तक मतजब थे कि मरने के बाद जीना कैसे होगा अगर अम्बिया मसलात को सोसाइटी के अंदर यकीन को बहाल करना हो कि मरने के बाद कोई जिंदा किस तरह होगा तो फिर उस गाय को खासा दखल मिल जाता है अंबिया आलम के मिशन में के पास गए के बताएं इससे बंदा कत्ल हो गया है तो कहते इन यहां पर बकरा रब कहता एक गाय सिबा करो बकरा में बकरा नाये है।, है अगर कोई भी गाय सिबा कर दी जाए तो मकसद पूरा हो जाता लेकिन उस वक्त जब वो बातें करने लगे तो पूछते पूछते बात लंबी हो गई इसका मकसद यह है कि आल्ला से तामील हुक्म के वक्त ज़्यादा पूछ गूछ करना मुफीद नहीं रहता जैसे वो हुक्म दे कर दिया जाए ने कराम लिखते उस वक्त कोई भी गाय ज़िबा कर देते काम चल जाता मगर किसी गाय को ज़िबा करना दरअसल मुद्दा कलाम नहीं था मख्तसर बात ये थी कि चाहते थे कि एक तो मरने के बाद ज़िंदा करना यह साबित कर दिया जाए दूसरा ये मूसा सलातम को तुम फरेब में डालना चाहते हो जबकि मूसा सलाम के ग़ुलामों के ग़ुलामों के, के जानवरों के मरी हुई गायों में ये एक अवत मौजूद है कि वो सारे हालात तुम पर वाजे कर सकते हैं जब उनका गाय जबा करो तो गाय की तलाश में निकले बिलाकर एक ऐसी गाय तय हुई जो एक अल्लाह की गाय थी और अल्लाह की गाय जंगल में चल रही थी उस वली का वारिस एक ही बच्चा था उसको अल्लाह तबारा बज़ाहिर तो, तो पैसे दिलाना चाहता था लेकिन अंदरूनी मसलत ये थी कि राज बताया जाए कि तुम तो बंद खुदा की ज़िंदगी में उनसे धोखा करना चाहते हो बंद खुदा कर क़ब्र में चले जाए उनके जानवर भी जि कर दिए जाते तो फिर भी वो वरदी खेज होते हैं अब भक्म खुदाबंदी गाय को ज़िबा कर दिया गया किस गाय थी वली की गाय थी आम कोई गाय क्यों नहीं बा की गई कहा दरअसल वली का वजूद नबी की पहचान कराने के लिए होता है जब नबी के वजूद वली के वजूद को तस्लीम कर लिया जाए तो फिर नबी के वजूद को तस्लीम करने में कोई अमर माने नहीं रहता अब जनाब एक मरे हुए वली की गाय को जिबा करके मार दिया गया अब कुरान वकुल नजरीबू हो बे हा। हम कहते हैं कि तुम इसका एक टुकड़ा लेकर के इस मैय को मारो अब मैत को मारा मैय उठ बैठा अल्लाह के नमोद कज़ाल यू जीमोता बजरी कुम आयात ही लालकमता इसी तरीके से अल्लाह तला मुर्दों को ज़िंदा करेगा तुम तो समझते हो अल्लाह का नबी कुछ नहीं कर सकता अल्लाह के नबी की कुवत कुछ नहीं है और जी वली कुछ नहीं कर सकता वली जब तक जीता है तो कुछ कर सकता मरने के बाद कुछ नहीं कर सकता रब ने सारे रूट को एक ही सफ़र में तय करा दिया कहा तुम समझते हो कि ये सारे काम मुमकिन नहीं मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ के मरे हुए वली की मरी हुई गाय के उतरे हुए चमड़े की कटी हुई दुम अगर मुर्दे को लगे तो मुर्दा उठ बैठे ये क्यों सोचते हो कि मुर्दा किस तरह जिंदा होगा जो इन वलियों का और नबियों का खालिक है उसके सामने मुर्दा जिंदा करने की क्या बहस है क्योंकि उस गाय के जिबा करने से उसके चमड़ा उतरने से उसकी दम काटने से उसकी कटी हुई दम मुर्दे को मारने से अम्बियात वाल्लाम के एक मिशन को ताज़ा जिंदगी मिलती है इस वजह से इसकी अहमियत को मद्देनज़र मद्द रखते हुए सहब किलाम और ख़ुद नबी करीम ने नाम सरा बकरा रखा बकरा के केलब से बहुत सारे फ़जाइल आते हैं और बकरा से क्या मुराद है सूर्य बकरा अब उसके अव्वल में अलव मीम आता है ये बात आपने एक हद तक याद रखनी है कि किसी आने वाली सूरत के आगाज़ का और गुजरी हुई सूरत के अख्ताम का आपस में कोई ताल्लुक बने तो फिर किताबी हैसियत महफूज होती है आपने गुजरे हुए सबक में ये बात समझी है कि ए दिन सरातलमस्तकीम सरातल लज़ीना अनमताम गलमकदूब अलीम वलिन मौला करीम हमें सीधा रास्ता दिखला। उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने ने इनाम किया और वो गुमराहों का रास्ता भी नहीं है और वो गज़बशुदा शुदा लोगों का रास्ता भी नहीं है अब जिस इस गुजरी हुई सूरत का अख्ताम उन दो कौमों पर हुआ कि जिन कौमों के पास किताबें मौजूद थीं ये बात अलमकदूब की तफसी में त्रिविजी शरीफ का हदीस है ये जिसको आप कह सकते हैं इबहाम और तफसील, इस और अमूम और तखसीस अलमकदूब में कोई भी गज़ब शुदा कौम बुरा ली जा सकती है लेकिन कोई भी गज़ब शुदा कौम बुरा नहीं ये बात नहीं है अहकाफ़ के इलाक़े में हुद की कौम पर अजाब हुआ मगर वो कौम मुराद नहीं है सार्सालाम की कौम पर मदान मदान साले के मकाम पर जो ालिबन मदीना तैयबा से एक सौ छब्बीस मील के पर परिबिबन एक स्टेशन है रेलवे का जो तुर्किया सलैन आती थी वहाँ अजाब हुआ वो नहीं मुराद कौम लूथ पर अजा हुआ वो भी मकदूब है मगर वो मुराद नहीं है नूर इस्लाम की कौम पर अजाब आया मगर वह मुराद नहीं है मूसा के मुखालिफ धड़े की कौम पर अजाब आया पर वो मुराद नहीं मुराद कौन है का जिन पर गजब किया गया वो कौन है कहा वो यहूद हैं जिन्होंने अंबिया के मिशन की मुखालफत की तो अब इसमें पहले का नाम है तमीम गैरमूब आलिम और हदीस ने उस तामीम की तखसीस कर दी कि इससे हर गजब शुदा मुराद नहीं है इससे वह पढ़े लिखे गुमराह मुराद हैं जिनके पास किताब भी थी और नबी के नाफरमान थे वलत और दुनिया भर के गुमराह से मुराद लिए जा सकते हैं मगर क्या ये मुराद लेना सही है ग़लत है तिरमीजी शरीर के अंदर हदीस है कि हज़रत सैरत वालम ने फरमाया इस जगह गुमराह से वो लोग मुरादे जो इन्होंने ईसा साम के मिशन से धोखा किया ये गुमराही और ये गजब किन का हक है ये गुमराह का अतला किस पर आ रहा है ये ग़ब का अतलाक़ किन पर आ रहा है वो लोग जो पढ़े लिखे थे मालूम इससे अनपढ़ गुमराह मुराद नहीं है अनपढ़ ग़ब शुदा मुराद नहीं है पढ़े लिखे हुए जो गुमराह हुए हैं इसका मतलब पढ़े लिख के भी गुमराई मुमकिन है ये दिल्ली भी कसीरम यादी ब ही कसीरा इस कुरान के ज़रिए से बहुत सारे लोगों को अल्लाह तला हदायत देता है बहुत सारों को गुमराह कर देता है ये बहस जब यहाँ तक पहुँची कि पढ़े लिखे हुए लोग उन पर गज़ब हुआ पढ़े लिखे हुए लोग वो गुमराह हुए उसी तबके के एक हिस्से पर गजब इलाही हुआ उसी तबके के एक हिस्से पर गुबराही का इतलाक आया इसका इस खात्मे का इस रही से ताल्लुक़ क्या बनता है का आगे भी किताब का जिक्र आ रहा है बात समझने की हमले सामने आ गई यानी गुजरी हुई दो कौमों का जिक्र आया जो आले किताब थे एक गज़ब के हकदार करार पाए दूसरे गुमराह कहलाने के हकदार करार पाए क्यों किताब का मिस यूज़ किया अब तुमसे हम ये तो करेंगे कि तुम इस किताब का मिस यूज़ नहीं करोगे ये ये जोड़ है गुजरी हुई सूरत के अख्ताम और नई सूरत के आगाज़ का आपस में जोड़ होना चाहिए अब बताया ये किताब जिसमें कोई शक व शुबा नहीं है इसमें इसकी हैसियत क्या बनती है का इस हालत में इसमें शक् व शुबा नहीं है कि मुतकियों को हदायत देने वाली है इसको अगर हाल आप तस्लीम करें जैसा अलाम बेजावी ने इसको हाल जिक्र किया है और इसको हजरत इमाम नस्वी ने हाल जिक्र किया बमान हादियन है ये मस्तर है और गैर मुश्तक को हाल वाक़ा होने में कुछ दिक्कतें हैं मगर इसके मतलब शरा अकील ने लिखा है कौन हो मुंतिला यगलिब य मुस्तक़ यानी हाल का मुश्तक होना ये अक्सर है मुंतकिल होना और मुश्तक होना मुंतकिल होना साहब हाल से हाल जुदा हो जाए इसका नाम है इंतकाल और मुश्तक होना वो कलमा ऐसा जो किसी दूसरे लफ्ज बना हो हदायत दूसरे से नहीं बना ये मस्तर है लेकिन फिर क्या माना हो गया कि इस किताब में कोई व शुबा नहीं है दर हाल के ये मुत्तकियों को हदायत देने वाली है मुतकी का पहले तरह समझना होगा इन इल्ल इम उसके दोस्त मुत्तकियों को कुछ कोई शख्स नहीं है राब का जो दोस्त है उसके लिए मुतकी होना शर्त है इस जगह इमाम नसवी रकू के अख्ताम पर चल करके कहते हैं कहते हैं अल्लाह ताला ने पहले अपने दोस्तों वलियों का जिक्र किया बाद में दुश्मनों का जिक्र करें दोस्तों का जिक्र किया बाद में दुश्मनों का जिक्र किया कियाज़ावी इस हाल को तालीलिया करार देते हैं हाल तालीलिया किसे कहते हैं जो वजह बयान करे गुज्त वाक़ की जिसका हाल वाक़ा हुआ है दरअल इसमें शक शको शुबा नहीं है शको शुबा न होने की इल्लत क्या है का इल्लत यह है कि जो वली बनाए हैं वो इसने बनाए इससे बात पता चलती है कि वलियों का वजूद आसमानी किताब के लारे होने के की दलील है अगर ये शक होता तो ये वली बनाता जैसा कि कोई उस्ताद कहता है मेरे जैसा कोई लायक उस्ताद नहीं है क्यों गुजशत बारह साल में मेरी यूनिवर्सिटी में, में सबसे जो फर्स्ट टैंक करने वाले स्टूडेंट है वो मेरे हैं जिनका सबसे रिजल्ट अच्छा है वह मेरे हैं और फला फल जगह जो काम करते हैं वह मेरे शागिर्द हैं तो उसके शागिर्दों का वजूद उस उस्ताद की महारत तमां की दलील होती है यहाँ कुरान मजीद का ये कहना कि याद रखो मुझमें शक् व शुबा नहीं है आ हाल के मैंने वली पैदा किए हैं यानी अगर मेरा फार्मूला ठीक ना होता तो मैं वली पैदा करता अगर मैंने वली पैदा किए हैं इसका मतलब सच्ची किताब हो क्या नतीजा लिखला नतीजा ये लिखला कि आसमानी किताबों के वो हामिल थे जिन पर गजब हुआ आसमानी किताबों के वो हामिल थे कि जिनको गबराह करार दिया गया कब तक वो सच्चा दीन उनका दीन रहा है का उस वक्त तक जब तक वो वली पैदा करते रहे जिस तारीख वलायत का वजूद खत्म हुआ किताब वही है बंदे वही हैं लेकिन हदायत नहीं है रब कहता है ये किताब इसमें शक् व शुबा नहीं है इसलिए कि इसने वली पैदा किए इसका मतलब ये होगा जो कौम मुसलमानों में अपने आप को इस कुरान के ज़रिए से हदायत पर साबित करना चाहे उसकी ये ये जिम्मेदारी नहीं होगी कि अपनी मस्जिद के मीनार दिखाए मीनार तो मिर्जाइयों की मस्जिद के भी हैं जिसको मस्जिद कहना हराम है वो मस्जिद नहीं है मस्जिद मुसलमानों की इबादत गाह का, का नाम है काफरों की इबादत गाह का, का नाम मस्जिद नहीं है कहीं जी कुतब खाने बड़े हैं कुतुब खाने तो मुसलमानों के पास भी हैं यहूदियों के पास भी हैं फिर दलील -ए हदायत का दलील हदायत असल वली का वजूद होगा जो आदमी अपने आप को हक पर दायर करना चाहे वो ये ना दिखाए मेरे कुतबखाने कितने हैं मेरी मस्जिदें कितनी हैं मेरी लाइब्रेरियाँ कितनी हैं मेरे मदरसे कितने हैं अगर वो हक पर साबित होना कर, चाहे तो फिर अपने सिलसिले सिलसा तलीमत का अबूबकर दिखलाए अपने सिलसिला तलीमा का उम्र दिखलाए वाँगात! अपने सिलसिला तलीमत का वाली बगदाद दिखलाए अपने सिलसिला तलीमत का दादा गंज बख्शे अली अजवेरी दिखाए खाजा गरीब नवाज सुल्तान हिंद सरकार दिखाए सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद शहनशाह बुखारा दिखलाए यानी वली का वजूद दीन के सच्चा होने की निशानी है सच्चा दीन वली पैदा करता है जो वली पैदा नहीं कर सका वह दीन झूठा है नारा 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 दीन 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 दीन। और रूफ मुखसियात की बहस में एक बात मुफसरीन ने मुराद के तौर पर जरूर लिखी है वो कहते हैं कि अरबों के अंदर सबसे पहले ये लाफ ऑफ एब्रीवेशन शुरू हुआ है नामों को छोटा करके लिखना जैसा खीन आप देखते हैं खीन इजा काना कजा को खीन करके लिखा है और कभी खीन आन को के तो खिन करके लिख दिया है नामों को छोटा किया तो कहा नामों का जब छोटा किया जाने लगा तो इसमें बहस छिड़ी कि नामों के ला लाफ में प्रिंसिपल कौन सा इख्तियार किया जाए मेथडोलॉजी क्या होनी चाहिए का अरबों की जिंदगी दो हिस्सों पर मनकसम है या आकायाना ज़िंदगी या, या गुलामाना ज़िंदगी अगर आका का नाम ताबीर करना है तो नाम का पहला हर्फ लो अगर ग़ुलाम का नाम ताबीर करना है तो नाम का आखिरी हर्फ लो इसलिए वो कहते हैं अलिफ से मुराद अल्लाह है इसलिए कि अल्लाह भी आका है मीम से मुराद मोहम्मद रसुल्लाम है क्योंकि वह भी आका है और लाम से बुराद जबरील हैं उनके नाम का आखिरी अरफ क्यों लिया गया है कहा वो अल्लाह के भी गुलाम रसूल के भी गुलाम है तो आप ज़ालिकल किताबो ला लार बफी हदलमुतकी मुत्तकीन की तफसीर मेंलमायी तफसीर ये लिखेंगे कि मुतकीन अलमुतकी मई यकी नफसहू अम्मा यदरहू फिल आखिरा यह मेजावी की इबारत है और हमारे उस सबको में वालबलमुती जब पढ़ाया करते थे उसमें अलबुत की तफसीर पढ़ाया थे अबुत्ती मई यकी नफ़ अम्मा इधरूफिल आखिर मुतकी वो होता है हर उस चीज़ से बचे जो कयामत के मैदान में उसको जरूर पहुँचाने वाली है यानी लोगों की मुलामत से मुतासर होकर वो काम न करे बल्कि रब के खौफ की वजह से उसे पता है क्यामत के मैदान में जाऊँगा जिस बारगाह में जल करके मुझे खड़ा होना है उस बारगाह में इस तरह की बातें काबिल बा होंगी मुझे ज़रूर पहुँचेगा जो बारगाह खुदाबंदी में मुझे खुरब मिला है उससे मरूम कर दिया जाऊँगा तो कयामत की मरूमी क्यों ना दुनिया में सारी चीज़ों से जुदाई इख्तियार कर लूँ मगर कयामत की मरूमी को कबूल न करूँ अल्लाह करीम ने इस जगह फिर मत्तकी की तफसीर बयान फरमाई अलमुतिन मौसूफ है अलजीन ये सिला व मैं ये उसकी सिफत है कौन सी सिफत है क्या ये सफत काशफा है सफत काशफा में क्या ताल्लुक होता है का इजमाल और तफसील का जो इजमालन बयान किया अलमुत्तकीन ये इसलिए इसमें कोई शको शुबा नहीं है कि जो मंजिल पर पहुंचाए हुए लोग हैं ये उनकी रहनुमाई के लिए आई है अब पूछने वाला पूछता है पीछे तो गुजरा है सबक ए दिन दिनुस्तीम मुझे सीधा रास्ता दिखला उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया तो वो तो पहले गुजर चुके हुए हैं ये अलमुतकीन तो वह हैं जिनको हदायत पर पहुँचाने का काम कुरान करता है पर यह देखना होगा जो पढ़ते थे ए दिन असरास्तकीम व थे कौन हजरत नबी करीम खुद नहीं पढ़ा करते थे ए दिन असरातलमस्तकीम मौला करीम मुझे सीधा रास्ता दिखला हजरत सदी दिला पूरी उम्मत का सरताज पढ़ा करते थे कि नहीं मुझे सीधा रास्ता दिखला नबी पाक के खुलाफा राशद तमाम रसूल आलते तमाम ताबीन अतवा ताबीन सारे ये पढ़ते आए कि नहीं आए पढ़ते आए अब वो मसला एक हद हाँ तक हल होना चाहिए जो कहते हैं जनाब एल बैत अगर पहले इसे पाक थी तो ये कहना इन नमा युजाक धीरा फिर वो पहले इसे पाक थे तो फिर ये बात क्यों कह है मैं कमीस उतार के दूँगी ये पाक करके दो आप पूछें कि क्या पलीदी लगी मैंने कहा पलीदी तो नहीं है पर पाक कर, कर दो का पाक करके देने का मकसद ये है कि पहले पलीदी लगी हुई है क्योंकि इससे तहसील हासिल लाजम आती है अलाम एज़ावी ने पिछले सबक में इसका जवाब दिया है अल्लाज़ीन जाहदु फ़ीना लन्नादी सबोलना वो लोग जिन्होंने हमारे रास्ते में जहाद किए हैं हम अपने रास्ते की तरफ उनकी रहनमाई करेंगे वही याद वो पहले कर चुके हैं मैदान अमल में अपने जान माल की बाजियाँ लड़ा चुके हैं और अपने आप को ख़तरात के समुन्द्रों में गोता खाने के लिए पेश कर चुके हुए हैं अब उनके लिए क्या बाकी रह गया हुआ है जिसकी हदायत फरवाई जाएगी का तहसील हासिल जब होती कि अगर हदायत की मंजिलें न होती सूफिया का एक जुमला है एक हदा एक असैर अल्लाह है एक सैर फिल्ला है अल्लाह की तरफ हदायत करने की एक हद है अल्लाह के जात पाक और सिफ़ात और असम्बे सफ़र करने की कोई हद नहीं है अगर हदायत की कोई हद होती तो फिर उनके लिए तो तहसीलें हासिल होती लेकिन हदायत की हद ही कुछ नहीं है सितारों से आगे जहाँ और भी हैं अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं उसी तरीके से ये जिनको बतलाया कि वो मुतकी हैं कुरान उन पर मज़िल उनको मंजिल पर पहुँचा चुका है पहुँचा चुकने के बाद कहा कि अलज़ीन यमिनब ये सिफत काशफा है सिफत काशफा और मौसू में इजमाल और तफसील का इलाका है पहले बात समझ ना आई एक कहता है मैं मुतकी हूँ दूसरा कहता है मैं मुतकी हूँ रहा कहता है ठहर जा एक फार्मूला देता हूँ देख वो तुझ पर सा दिखाता है ये दूसरे पर सादिखाता है अलजीना यु मिन बिल गैबे हमारे कागजात में मतकी उनको कहते हैं जिनका अकीदा ठीक है ईमान अकीदा इस सैया का नाम है सरकार का फरमान हैजरत असरदी सदीस के नावी है ला यु मिनोदक महत्कून अहब्ब इले म व वाल ही वालद ही वन से अजवाइन तुम में से कोई आदमी मोमिन नहीं हो सकता जब तक के मैं उसके सारे असूल व और सारे अलाक के मुकाबले में मैं ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ तो जब सबसे ज़्यादा महबूबियत जो है वो ईमान कहलाएगी तो इसका असल माना यह हुआ कि सरकार से कमाल दर्जे की मुहबत का नाम ईमान है और ईमान से इम, सरकार से कमाल दर्जे की मोहब्बत का नाम ईमान है और ईमान नाम है सरकार से कमाल दर्जे की मोहब्बत का एक ही चीज़ के दो नाम हैं यानी सरकार से कमाल दर्जे की मोहब्बत ईमान है ईमान की तारीफ कर जिस सरकार के से कमाल दर्जे की मोहब्बत है अब इस मौके पर एक बात समझने की है एक आदमी कहता है मुझे मोहब्बत है दूसरा कहता है मुझे मोहब्बत है अब मोहब्बत का फैसला करना चाहते हैं किसको मुहब्बत है एक आदमी कहता है मेरे महबूब जैसा कायनत में न था ना है ना आंदा कभी हो सकता है दूसरा कहता है नबी मेरे जैसे आदमी है बताओ मोहब्बत किसको को है ए, एक आदमी कहता है कि नबी चाहे तो सूरज को मोड़ ले चाहे तो चांद को तोड़ दे दूसरा कहता है नबी जिसको कहते हैं वो तिनके भी तोड़ के दो नहीं कर सकता अब मोहब्बत की आदत है मोहब्बत महबूब की तारीफ करता है एक आदमी सरकारी दुआल के बारे में कहे जनाब नबी को तो दीवार के पीछे का भी पता नहीं है और बदकस्मती कौम की कि बताते हैं अब्दुल शाहक साहब महदैलवी ने यह बात लिखी है मैं नबी हूँ लेकिन मुझे पता नहीं दीवार के पीछे क्या है हज़रत शाहक महदैलवी रमत मदार जुनबूस का सफ़र नंबर नौ उसके ऊपर से ालिबन पाँच छः सीतर नीचे जाओ तो ये बात मौजूद है कि मन इं के मन नबी अल्लास्म और नबी दानम के पसे दीवार चीज़ ई शुन असल नदारत इसको कोटेशन व अवैन के अंदर लिखते हैं कहते हैं ये बात के मैं नबी हूँ और मुझे ये नहीं पता कि दीवार के पीछे क्या है शरा में इसकी कोई असल नहीं है वो इसकी तरदीद करें और पिछले लोग कहें साहब शाह मोहदेलवी ने यह बात कही है एक आदमी कहता है नबी को दीवार के पीछे का पता नहीं दूसरा कहता है नबी को तो आसमान के पीछे का पता है बताओ दोनों में से मोहब्बत किसको है कहते नबी को तो अपना इंजाम नहीं पता मेरा क्या होगा मेरी उम्मत का क्या होगा नबी करीम सलातुसम का गुलाम कहे जनाब नबी पाक पाकलाम को पता है कि उठेंगे कब कैसे उठेंगे इंजाम क्या होगा कौन कहाँ जाएगा और जन्नत में किसकी मंजिल कहाँ है उमर का डेरा कहाँ है सिद्दीक का अकबर का डेरा कहाँ है अली मरत का डेरा कहाँ है खातून जन्नत का डेरा कहाँ है जन्नत के एक एक ठिकाने का जिक्र करें आप बताओ मोहब्बत किसको है एक कहता है नबी तिनके तोड़ के दो नहीं कर सकता दूसरा कहता है नबी चाहे तो चांद के दो टुकड़े कर दे अब मोहब्बत किसको किसको कहते हैं मोहब्बत की आदत है सरकार का फार्मूला है ख़ुद हुब्बो का शया युम व युसिम, जब किसी चीज़ की मोहब्बत आके दामनगीर होगी तो ये अंधा भी कर देगी बहरा भी कर देगी तो महबूब का ऐब न देख सकोगे न सुन सकोगे न सुना सकोगे न दिखा सकोगे ये मोहब्बत का मिजाज है अब ये जो तारीफ है एक नबी मानने के बाद के नबी को दीवार के पीछे का पता नहीं नबी तिनके तोड़ के दो नहीं कर सकता अगर किसी असम्बली के मेम्बर की तरफ से कन्वेसिंग जाके कोई करे कहा जनाब मेरा कैंडिडेट बहुत लायक है तिनके तोड़ के भी दो नहीं कर सकता कितनी वोटें उसको मिलेंगे जनाब इतना बेखबर आदमी उसको ये पता नहीं पी, आगे पीछे हो क्या रहा अगर ये तारीफ़ बयान करे असम्बली के कैंडिडेट की तो एक वोट नहीं मिलेगा अगर फिर सारी दुनिया को कहे सारी दुनिया के मजाब छोड़ के मेरे नबी का दीन इख्तियार कर लो फिर कौन इख्तियार करेगा ईमान नाम है सरकार दुआसम से कमाल दर्जे की मोहब्बत का सरकार के कमाल दर्जे की मोहब्बत का दूसरा नाम ईमान है तो इसका मतलब यह है आप जिस किसी को भी परखना चाहें पहले उसकी नमाजें ना देखें उसका लोटा ना देखें उसका मिसवाक ना देखें उसका बिस्तर ना देखें सबसे पहले देखें सरकार से इसकी मोहब्बत किस दर्जे की है अगर सरकार से कमाल दर्जे की मोहब्बत है तो फिर यकीन वो ऐसा इंसान है कि उसके अमाल पर भी गौर किया जा सकता है का यो मनू न बिल ये उसके मुकाबले में कहा वईज़ा लकीन आमन वालु आमन्ना वैज़ा ख़ल अला श्याम जब मुसलमानों से मिलें तो कहते हम ईमान लाए हैं जब अपने शैतानों की दर तो क्या हम तो हम तो तुम्हारे साथ हैं रब कहता है कि हमारे कागजात में मुतकी वो है जिनका अकीदा सही है और फिर वो गायब होने की हालत में भी ईमान को दुरुस्त रखते हैं यानी तन्हाइयों में रात की खामोशियों में जंगल की तन्हाइयों में जब कोई देखने वाला नहीं होता उस सच्चे ईमान पर कायम है तो कुरान मजीद बयान करता है यो बिलगैब अबुलबे वह यकीमन सलाह और नमाज कायम करते हैं नमाज का कायम करना ये पढ़ने से कदरे मुख्तलिफ है अलामी लिखते हैं जैसे अरब लोग कहते कि कब अमा उसने अमांतून को इस तरह ठोंक दिया इस तरह वो नमाज पढ़े कि तमाम आदाब सुनन फरज वाजिबात इस तरह कसे हुए हों जिस तरह किसी मशीन के जरिए से किसी ढांचे को कस दिया जाता है नमाज उसके ऐसी फिट असालत में हो नमाज कायम करते हैं अमिमांज ना हम यून फकुर जो हमने उन्हें दिया है उसमें से देते हैं हमने जब इस तरह के लोग देखे ना बयान कर ये इतने पैसे मस्जिद में खर्च करो जन्नत में महल मिलेगा हमने ऐसे लोगों से कसरत से पढ़ा है खुद जिंदगी में आना भी कभी नहीं दिया मैं बच्चा था सोचा करता कि अगर इतना स्वाब है खुद ये देते क्यों नहीं है पीर जमात अली शाहजहाली पुरी रामदर का कल भी जिक्र हुआ था मस्जिद नब्बी में एक लाख रुपया जिस जमाने रुपये का डेढ़ से घी था उस जमाने में लाख रुपया दिया था सरकार के गुमद खजरा की तमीर के वक्त एक लाख रुपया दिया था मुस्लिम लीग को एक लाख रुपया दिया था मार रखना हूँ अब दाढ़ी लंबी करने से खर्चे वाला बस मकसद पूरा नहीं होगा जिस वक्त कहें राह मौला में खर्च करो तो 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 कुर्ता लंबा दिखाएं नहीं देखना ये होगा राह मौला में किया है खर्च अगर साजिश की गर्ज से पूरी दुनिया में फसादात मचाने के लिए दहशत गर्दों को कोई पैसे दे तो ये खुदा के लिए पैसे नहीं होंगे ये बुराई के लिए पैसे होंगे वमिम मार रखना हम अल्लाह का शुक्र है पूरी रुए ज़मीन पर हमारे तबके का कोई आदमी पूरी इस्लामी तारीख़ में कभी दहशत गर्दी के मामले में इन्वाल्व नहीं पाया गया और आज भी पूरी दुनिया में जहाँ तक दहशत गर्दी हुई है हमारे अकीदे हमारे मजहब हमारे मदारस हमारे जुमरा इलम का कोई आदमी कभी दहशतगर्दी की बुराई में नहीं पाया गया और अल्लाह का शुक्र है हमारे मजहबी जमा ने बड़ा मरदानगी के साथ दहशत गर्दी का मुकाबला किया है और अहमद ला मैं इसमें शरीक रहा हूँ और साहबजादा मोहम्मद फजल करीम साहब जो इस मैदान का हीरो समझा जाता है सैयद रियाज़ हुसैन शाह साहब जिन्होंने इस बारे में भरपूर इमदाद की है उन्होंने ये साबित कर दिया है कि ना हम दहशत गर्द खुद हैं न दहशत गर्दों को भिन्फने देंगे हथकान मुकाबला करेंगे और डट के मुकाबला करेंगे अल्लाह का शुक्र है कि सेहत और सलामती के साथ वो जिंदा भी हैं और उनकी मुहिम जो है वह आगोश कामरानी श्याम आगोश भी हुई है अल्लाह करीम ने उनकी कोशिश और मेहनतों को ताज़े कामयाबी भी अता फ़रमाया है मिम मार रखना हो देते तो हैं लेकिन देते किसके अल्लाह के रास्ते में देते हैं हमने जो उन्हें दिया उसमें से खर्च करते हैं और आगे परवरदिकार आलम उठाते हैं कि वल्लीना यो मनूना इस वल्लज़ी का दफ़ा पहले अल्लाजीना पर इसका मतलब वो भी अलियाल्ला के ज़ुमरे में आएंगे कि जिन्होंने आप पर दौलत की दौलत ईमान पाई है नमाज़ क़ायम की है ज़क़़त अदा की है और आपके रास्ते में भरपूर जिद्दो की है और उन्होंने हर तरह की मुश्किल से गुजर कर मौजे रवा की तरह अपनी मंजिल पर जाके दम लिया है वो लोग भी मुस्तकीन में से व लजीना यू मिन माँ उनका उस पर भी ईमान रखते हैं जो आप पर नाजिल किया गया है व माँ जिला में नबलिक इससे साबित होता है सबका आसमानी पर आसमानी किताबों पर ईमान रखना भी वाजबात शरीय में से कोई आदमी अगर ये कहे मैं तो रात को नहीं मानता मैं इंजील को नहीं मानता मैं ज़बूर को नहीं मानता हमारे कुरान के मुताबिक काफ़िर होगा ऐसा कोई मज़हब बतलाओ जिसने हमगीर तरीके से दूसरे मजाहब की जो सच्चे मजाहब हैं उनकी हमायत की हो हम देखते हैं कि एक तबके ने आकर के कहा वकालतली यहूद लहजत न सारा शहन वकालत न लहजत यहूद अला शैन इन्होंने कहा वो बद मजहब है उन्होंने कहा यह बद महब है लेकिन हमारे मज़हब ने कहा वो भी पैंबर थे ये भी प्यम्बर है उनकी किताब भी आसमानी किताब थी इनकी किताब भी आसमानी किताब है उनके मुआजा भी मुआजात हैं इनके मुआजात भी मुजदात हैं दौरे हादर में जो कहते हैं जी नारा हैदरी लगाया जाए तो शिया को फायदा पहुंचता है मैं पूछता हूँ ईसा आलतम के मुआजात बयान किए जाए तो किस को फायदा पहुँचता है कुरान मजीद किसी इस्लाम में किसी शख्स ने ईसा के मुआजात को रोका है उन, तमाम अम्बिया की कदरों को पहचानना यह हमारे दीनी जरूरिया में से है तमाम आसमानी किताबों के तकदस को तस्लीम करना हमारे जरूरियात से है मूसअलाम के मुदात बयान करने से यहदियों को फायदा पहुंचता कि नहीं पहुँचता लेकिन आज तक किसी मुसलमान ने मना किया कि मूसअलाम के मुदात न बयान करो यहूदियों को फायदा पहुँचता है एक सच्चाई से किसी को भी फायदा पहुँचता पहुंचे यह सच्चाई है कि वह के पैमर थे उनके मुआवजात मोजाद थे करीब आ जाइए जो मकालात अस्लामी तो के फुट नोट में लिखा है अबुल अशरी राम ने वो कहते हैं कि हजरत सिद्दीक़ अकबर फारुक़ आज़म इन दोनों के साथ ख़ारजियो का वो ताल्लुक़ है जो नबी करीम के बराबर बराबरी चला जाता है यानी वो इतना उनके मुबालगा करते हैं कि कोई हद नहीं छोड़ते अब अगर एक आदमी हजरत सदीक अकबर के फ़ायल बयान करें फारूक अज़म के फसायल बयान करें तो एक आदमी उठ के कहे जनाब इन दोनों के फ़ाल बयान करने से खारजी को फ़ायदा पहुँचता है क्या जवाबों का नहीं वो नबी पाक पाकल्लाम का यार गार है पूरी उम्मत का सरदार है उसकी तारीफ क्यों ना की जाए उससे दूसरे दर्जे पर फारूक आजम पूरी रुए जमीन के मुसलमानों का सरदार है तो उनकी तारीफ क्यों ना की जाए रह जाती है बात के उनके फजाइल बयान करने से खारजू को फायदा पहुंचे तो इसके बारे में खारजू की तरतीब करो खारजू को फायदा पहुंचता ये साबित करो कि खारजी उनके कुछ नहीं लगते इसी तरीके से जनाब हैदर करार और जराब हैदर करार के फजाइल बयान करो जराब ख़ ख़ातन जन्नत को फ़ायदा पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा असर हुसैन को फ़ायदा पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा सरकार को फ़ायदा पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा अगर किसी और आदमी को जो मुनकरे से आबाँ फ़ायदा पहुँचा उसकी तरदीद करो और बताओ कि हजरत हैदर करार का उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं लेकिन ये कितना मोमल बहाना है इसके कुरान मजीद ने बयान किया कि कुरन मोम जो हैं आप पर भी ईमान रखते हैं आप पर नाजुल होने वाली वहीं पर भी ईमान रखते हैं और आपसे पहले जो नजर हुई है उस पर भी ईमान रखते हैं क्या मतलब साबित हुआ दीन तो इनका यह है उस पर ईमान क्यों रखते हैं का किसी भी सच्चाई को ठुकराने का किसी को हक नहीं है अगर किसी मसले से वो तो सच्चाई को ठुकराता है तो फिर वो सच्चाई को मुंह चढ़ा रहा है बाज आय से वगरना जो आदमी मदे मुर्तजा से रोकेगा क्यामत के मैदान में वो पकड़ा जाएगा सरकारी द्वार में जब खुद जनाब मौला मुर्त की तारीफ की है तुम किस रोक सकते हो यहाँ कुरानजीर ने बताया कि आप पर भी ईमान रखते हैं आपसे पहले अम्बिया उमर सलीम पर भी ईमान रखते हैं आपकी किताब पर भी ईमान लाते हैं पहली किताबों पर भी ईमान लाते हैं तो बिल आखिरत हम यू किन और क़यामत के मैदान में हाजरी का भी पूरा यकीन रखते हैं इस जगह एक बड़ी दिलचस्प बात है कभी मिर्ज़ाइयों के खिलाफ मुकदमा चला था तो मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब घूटवी जो ख्वाजा खार्जगान सैद उस सैद पी मेलिशाह गुरहतु ला के गुलाम थे उनसे अंग्रेज जज ने सवाल किया कि आप कौन कौन सी आयत से खत्म नबूत का मसला साबित कर सकते हैं उनका कोई आयत इनको कहो के पढ़े उससे खत्म नबूत साबित करना मेरा काम कहो तो कोई सी पढ़े उन्होंने ये पढ़नी शुरू की जब इस मकाम पर पहुंचे तो उन्होंने कहा इस जगह खत्म नबूत का मसला मौजूद है क्या कैसे वजह नू मनू इलैका उस पर भी ईमान लाते हैं जो आप पर नाजिल किया गया तो मा जिलान कबलिक अगर सरकार के बाद भी कोई नाजिल होने वाला होता तो वह मा ज़िला भी कहते उस पर भी ईमान रखते हैं जो आपके बाद नाजिल हुआ मालूम सरकार के बाद कोई ईमान वाली अगर चीज़ बनती है तो बिल आखिरत हम यू क्नून व क़्यामत की हाज़िरी है जिसमें हाज़िर होकर के सारे मसाइल तय होंगे तो इससे अंग्रेज़ जज का अतमीनान हो गया उसने कहा वाकई कुरान के जानने वाले भी मौजूद हैं और कुरान अपने मानी के एतबार से एक मुकम्मल किताब भी है इस जगह कुरान जी ने आगे चलकर बयान किया है का औलाएक अला हुदाम मि रबहिम वही लोग हदायत पर हैं इससे बततला का एक मजहब साबित करने की नाकाम कोशिश की गई है व औलाएक अल मुफ्लिगु सिर्फ वही लोग कामयाब होने वाले हैं का इससे तो सिर्फ वलियों के बेड़े पार होंगे गुनहगार तो सारे जहन्नम में जाएंगे यह एक सवाल है यह बततला का मजहब है बततला कहते हैं कि कबीरा गुना करने की वजह से अगरचे वो काफिर नहीं होता लेकिन मोमिन भी नहीं रहता जन्नत में जाना उसका हक नहीं रहता के कुरान मजीद ने जो पहला कायदा मैंने बयान किया है कि अगर मुसनदुन इले इसमें इशारा हो तो उसके मुसनद को यानी मुफ्तदा अगर या मुखबर हो अगर मुस्ंद अगर इसमें इशारा हो तो फिर उसकी खबर या उसका मुखबर बेही वो हमेशा उसके साथ मखसूस होगा इसे अला फ़ाजल बरेल का तर्जमा देखें तो यहाँ यही तर्जमा होगा उलाए का अलादमिरबी वही लोग अदायत पर हैं हाँ ये उसी कायदे का तर्जमा है नहीं तो वही का माना नहीं बनता वही का हज़र का तर्जमा बनता है इसका मतलब और कोई अदायत पर नहीं है वह अदायत पर सिर्फ वही है वह उलाय का मफल और वही लोग कामयाब होने वाले हैं इसमें भी हज़र का तर्जुमा है जिसका मतलब और कोई कामयाब नहीं होगा जो वली हैं कमाल दर्जे के लोग हैं जिनके नाम है अमाल में कोई बड़ा गुना नहीं पाया जाता उनकी बख्शिश हो जाएगी बाकी तो सारे जानन में जाएंगे इसका जवाब यह है कि ये कसर हकीकी इत्याई है जैसा कि एक आदमी कहता है इस शहर में एक पहलवान के सिवा कोई पहलवान नहीं हालांकि पहलवान वहाँ आठ दस हैं लेकिन जिस में यार का पहलवान वो मांगता है उस में यार का सिर्फ़ एक ही पहलवान है तो वाक़ता तो पहलवान ज़्यादा हैं लेकिन उसके दावे के मुताबिक सिर्फ़ एक ही पहलवान है यहाँ परवारा ताक़ीद की वजह से कसर हकीकी इत्याई फ़रमा रहे हैं कि असल में जो सही बानों में कामयाबी है ये तो उन्हीं लोगों की है कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में फूँक फूँक के कदम रखा और मदीने वाले के साछे में अपने आप को ढाल के छोड़ दिया जो ज़िंदगी बन गई वो फ़कर व बन गई और वह वलायत बन गई यह था आज का पैगाम अल्लाह तला कबूल फ़रमाए और मेरा और आपका ख़ात्मा सच्चे दिन पर करे और इन शजी आइंदा अगला अगला सबक शुरू होगा इन सवाउन सवाम तो ये बात वहां तय हो जाएगी इसकी क्या वजह है कि चंद ही आयतें तालिबा पाँच आयतें बनती हैं जो मोमिन के मतलब हैं और दो आयतें बनती हैं जो कुफार के मतलब है और तेरह आयतें बनती हैं जो मुनाफिक के मतलब है अब इस पर तो समझने की बात है मोमिनों के लिए भी चंद ही आयतें काफरों के लिए भी का मोमिन भी जाना और पहचाना हुआ है उसको कस्में खाने की जरूरत नहीं पड़ती तो लोगों को पता ये मोमिन है और काफिर भी जाना पहचाना हुआ है लेकिन मुनाफिक जो है वो ना इन लजीना ना उन लजीना कभी इधर है कभी उधर है हिंदुओं के साथ हिंदू हो जाता है मोमिनों के साथ मोमिन हो जाता है वो पेचीदा है इसलिए उसके बयान के लिए तेरा आयतें महफूज की हैं क्यों जिसका मर्द ज़्यादा संगीन है उसका इलाज इलाज ज़्यादा सवील है मोमिर भी परखा हुआ है काफिर भी निखरा हुआ है लेकिन मुनाफिक उलझा हुआ है कभी दुश्मन काफरों के साथ मिलकर शराब पीते हुए देखो तो पता चलता इनके साथ का है कभी मोमिनों के साथ लंबा कुर्ता पहन के बैठ जाए तो पता चलता इनके साथ है लेकिन हकीकत तलाश करो नजीना न उन लजीना जिकात जकत लजीना उसका मज़हब सिर्फ़ इतना है अल्लाह ताली मेरा और आपका खात्मा सचिदीन पर करे وما علينا إلا البلاغ المبين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الكريم الحمد لله رب العالمين